क्या देख रहे थे? कहाँ की है उसके पर? एक तो पर भी नहीं है। उतार देता है ये खुद ही। क्या मस्ती चढ़ी हुई है हादी तुम्हें? नहीं तंग करो भाई को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा जूम है आप सब लोगों को खुश आमदीद। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इसकी शरारत देखने के लिए, इसकी पिटाई देखने के लिए, इसके सारे कारनामे देखने के लिए जो ये सारा दिन करता रहता है। हादी दोस्तों, मैं आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आपके साथ अच्छी सी फैमिली बनकर, आपकी YouTube फैमिली बनकर, आपकी फैमिली का हिस्सा बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं, ताकि हम अपनी फैमिली की और अपनी जो है पेट फैमिली की अपडेट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। रो रहे हो, क्या कहा है उसने तुम्हें? कहा मारा है उसने तुम्हें? छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाते हो, ऐसा छोटे बच्चे हो? 10 साल के हो गए हो, छोटे बच्चे हो? वो तो खड़ी हुई है, चाल तो नहीं रही। घोड़ा है तुम्हारा? बेला को घोड़ा बना दिया तुमने। बेबी मारो इसको, गिरा दो बेबी इसको। चलो हादी, नहीं तंग करो यार बकरी को, कितना तो गर्मी है, वो बेचारी थकी हुई है, नहलाती है इसको। वो छोटी है, ऐसा नहीं तंग करो यार। दोस्तों बच्चों की सारा दिन अपने पेट्स के साथ ना कोई मस्तियाँ चलती रहती हैं। एक मिनट के लिए ना इन दोनों को सुकून नहीं है। बेबी तो सारा दिन इनको ना पागल किए रखती है अपने पीछे। वो देखें इसकी शरारतें, अब वो देखें। दोस्तों हमारी साइड पे ना, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही मेरे ख्याल से गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हमारी साइड पे बहुत शदीद वाली गर्मी थी। इतना शदीद वाली गर्मी के सांस लेना भी औखा लग रहा था हम लोगों को। तो अभी जो है कुछ ना कुछ बादल हमारी साइड पे आ रहे हैं, ये देखें। लेकिन हवा फिर भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है। पसीने ही पसीने छूटे जा रहे हैं बच्चों के। हमारे अच्छा किया हादी। हाँ नहला दो बेबी को भी, नहला दो, गर्मी है। बेबी नहा लो, शरारते नहीं करो। वो देखो जाम पर लगानी हर वक्त इसने। बस काफी है, काफी है उसको, काफी है ऐसा, उसको काफी है। बेला को नहलाओ, गर्मी ज्यादा है ना जानू। वो देखो आराम से खड़ी रहती है, इसके यहाँ जिस पे मारो ना देखो ये आराम से खड़ी रहेगी, क्योंकि उसको गर्मी लगी हुई है। आज इसने दोस्तों घास बिल्कुल भी नहीं खाया हमारी बेला ने। तुम कह रहे थे ना एहसान बाबा से कि ये घास नहीं खा रही, गर्मी की वजह, इस वजह से नहीं खा रही है, गर्मी लगी हुई है उसको। देखो कैसे आराम से खड़ी हुई है। दोस्तों हमारी बेबी ने ना अपनी मम्मा का दूध पीना छोड़ दिया है, और इसका दूध हम लोग भी नहीं निकालते हैं। हाँ तो दोस्तों आज दोस्तों हमारी ना बेला ने आज घास जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाई, इतना ज्यादा जैक हो रहा है ना इसका घास आज, क्योंकि गर्मी की वजह से। मैं कह रही हूँ इसको भूख नहीं लग रही। ऐसा तुम कपड़े नहीं खराब करो, हादी चेंज कर लेगा, तुम नहीं खराब करो अब हादी, इसको नहला के बस करो फिर जल्दी से। ये देखें दोस्तों काम चेक करें इनके, बेला के साथ मस्तियाँ हो रही है इसके। तुमसे नहीं पकड़ी जाती है ये, भगोड़ी भगोड़ी है भगोड़ी। बस छोड़ो, बस करो नहा लिया, चलो बस करो। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे घर में दो ही लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा शरारती हैं, एक हमारा हादी और एक हमारी बेबी। पहले ये एक अकेला हादी था ना एहसान, अब इसके हाँ अब इसके साथ ये भी शामिल हो गई है, हादी से ज्यादा शरारती हो गई है ये। हादी बस कर दो, चलो उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बस काफी है। क्या हुआ? दुश्मन ने अंडा दे दिया।
तुम्हारे दुश्मन कौन है? बटेरा। बटेरनी ने? वाह भी किधर है? नसा तो नहीं आ रहा, इधर पड़ोगे। ये देखें दोस्तों, हमारी बटेरनी ने अंडा दे दिया है, लेकिन इसके अंडे किसी काम के तो नहीं है हमारे। अभी अंडे देंगी ना तब। दोस्तों हमारी डाक ने ना कल फिर एक अंडा खराब करके बाहर निकाल दिया है ना एहसान। मैंने देखा नहीं था दोस्तों, लेकिन ना कल जब मैं जॉब से वापस आई हूँ ना, तो एहसान और हादी ने मुझे बताया कि ना हमारी डाक ने एक अंडा खराब करके बाहर वो वहाँ पूल में ले कर आई थी, वहाँ गिरा दिया इन्होंने। लेकिन वहाँ पर फिर मुर्गे वगैरह उनके बच्चे खा गए थे, मैंने देखा नहीं था। अब जो है टोटल 7 अंडे इनके नीचे रखे हुए हैं। बटेरनी ने अंडा दिया हुआ है, पता है तुम्हें? चलो जाओ अब रख कराओ जाओ। ऐसा बटेर के अंडे का कोई फायदा तो नहीं है? हाँ ये सही है, लेकिन अभी तो कोई कबूतरी बैठी नहीं हुई ना। दोस्तों वैसे एहसान सही कह रहा है कि ना हमारी जो बटेरनी का अंडा है ना, अगर कोई कबूतरी हमारी अंडों के नीचे बैठी होती तो उसके नीचे रख देते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमारी जो जोधा है वो भी अंडों से उठ गई है, क्योंकि उसका एक अंडा टूट गया था। एक जो हमने रानी के नीचे रखा था वो भी हमारी गोल्डन मुर्गी ने खा लिया था। तो अभी जो दोनों हमारी कबूतरे हैं वो तो अंडों में बैठी नहीं हुई हैं, इसलिए इस बार भी हमारी इस बटेरनी का जो अंडा है ना वो जाया जाएगा। लेकिन अभी इसने अंडा दे दिया क्योंकि बटेर तो गुम हो गया है, कितना दिनों से मिला ही नहीं है ना। दोस्तों हमारी ना बटेरनी बेचारी अकेली हो गई है, और हमारा बटेर जो है एक हफ्ता हो गया तकरीबन। इसने अंडा दिया हुआ है, बटेर अंडा देता है, बटेरनी अंडे देती है। बटेरा गुम हो गया। क्या है अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? नहीं लड़ो यार एहसान, हमारे ना दो चीजें जो है ना अकेली हो गई हैं। एक तो हमारा बटेर ये वाला अकेला हो गया, एक हमारा पतलू जो है ना काफी दिन से बहुत परेशान है, जब से ये गया है ना हमारा मोटू। हादी जब से मोटू गया है पतलू परेशान नहीं है, उदास उदास है। इसको लेकर आओ, जरा जाओ पतलू को लेकर आओ। आओ इसको एहसान, कमर में लगी रे। क्या चार भाई पकड़ो इसको, इधर हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं है, तुम इसको पकड़ो। दोस्तों ये देखें हमारा जो पतलू है ना बेचारा बहुत उदास उदास फिरता है, इसको देख के ना बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मोटू जब से ये हर के साथ लड़ती है। दोस्तों जब से ना हमारा मोटू गया है ना बेचारा, तो हमारा ये पतलू जो है ना बहुत ज्यादा उदास हो गया है। इतना ज्यादा चुप चुप बेचारा फिरता रहता है, कोई इसका साथ ही नहीं है। इसकी माएँ जो है वो दोनों अंडों में बैठी हुई हैं, बाप जो है इसको लिफ्टिंग करवाता है, और ये ना बेचारा हर वक्त उदास फिरता रहता है अकेला अकेला। म्यूजिक लगाओ, चलो डांस करो, कोई शुरू हो जाओ दोनों। हादी का गर्मी में गर्मी वाला डांस देखें, गर्मी डांस है ना, गर्मी डांस है हादी का। चलो पहन लो, जल्दी से पहन लो शर्ट, गर्मी है ना बहुत है ना। ऐसा देखें मुर्गी को, देखें जो अंडों पे बैठी हुई है, उसके लिए चावल तो ले आओ मुर्गी के लिए जो अंडों पे बैठी है। ये देखें दोस्तों हमारी मुर्गी जो अंडों पे बैठी हुई है ना, ये रही। दोस्तों हमारी इस मुर्गी के नीचे ना तकरीबन 16-17 अंडे हैं, और ना ये मुसलसल बैठी रहती है। हमने दाना पानी इसका अंदर ही इसको डाल देते हैं, क्योंकि बाहर तो निकलती नहीं है। फिर हमें खुद को एहसास होता है कि ना बेचारी भूखी तो प्यासी ना बैठी रहे, फिर इस वजह से इसका अंदर ही रख देते हैं। लेकिन हमें डर ज़्यादा इस बात का है कि ना गर्मी की वजह से इसके अंडे ख़राब ना हो जाए सारे के सारे। अल्लाह करे कुछ ना कुछ तो बच्चे निकल आए, 15-16 अंडे जो रखे हुए हैं। कौन सा बच्चा? मछली का। नहीं कहाँ है उसका बच्चा? एक बच्चा गुम हो गया है ना इसका। नहीं मैं भी जा रही थी, तो घूम रहा था। एक एक है ना, एक तो गुम हो गया है। नहीं ये एक नहीं है, दो है। एक ही है। एक इधर घूम रहा था, मैं उसको पकड़ के किधर है? वो है
अच्छा मैं समझी, एक है ना इधर घूम रहा थे माँ, इधर घूम रहा था इधर, उसने मतलब खाया नहीं मछलियों ने उसको। दोस्तों दो दिन ना मुझे मछली का एक बच्चा नजर आ रहा था, एक नजर नहीं आ रहा था। मैं समझी हूँ की ना वो गुम हो गया, पता नहीं मछलियाँ खा गई उसको या फिर ना वो अंदर मरा पड़ा है। मैंने चेक नहीं किया ठीक तरह से, लेकिन अभी एहसान कह रहा है कि ना वो वहाँ अंदर पड़ा हुआ था, यहाँ अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास। लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ एहसान, उसकी बड़ी मछली ने खाया तो नहीं है उसको? हाँ। है ना, शुक्र है दो हो गए। मैं समझी एक ही है। ये ना इसके लड़के भी यहाँ पर नजर नहीं आते, देखिए। हाँ ये देखें दोस्तों, मैंने अपने पेट्स के लिए सलाद अभी रेडी कर दिया है, क्योंकि शाम को ना हमारी जो पेट्स हैं वो इस चीज़ों की सलाद की, टमाटर खीरा और प्याज वगैरह के आदि हैं। देखिए अभी मैं सबको बुलाएंगी ना, सब दौड़े चलेंगे। आओ 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 आओ, उनको दौड़ता देखें। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इधर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब इधर रुक जाओ, चलो खा लो। ये देखें दोस्तों, आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, खा लो खा लो खा लो, सब खा लो, नहीं गोनो लड़ो नहीं। ये देखें दोस्तों, अभी ये वाला जो है ना कुछ मैं डस्ट को डाल देती हूँ, क्योंकि वो बेचारी अंदर बैठी रहती हैं तो उनको वहीं पर ही खाना दे देते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये देखें डस्ट को मैंने दोस्तों डाल दी है, अभी ये मज़े से खाएंगी। आ जाओ ये लो आ जाओ, गोनो मोनो ये लो सब खाओ, चलो दोस्तों। हमारे पेट्स ना इतना ज्यादा आदि हो गए हैं, शाम को इस खुराक के ना जो सलाद वगैरह हम उनको बना के खिलाते हैं, अमूमन टमाटर होते हैं, कभी कभी खीरा और प्याज वगैरह भी शामिल कर देते हैं। मुझे इतना ज्यादा वहम होता है इस बारे में कि अगर मैंने अपने पेट्स को शाम के टाइम ये सलाद ना खिलाए ना, तो शायद इनको सुकून से नींद भी नहीं आएगी। इसलिए हर हाल में ना इनके लिए ये सलाद मैं लाजमी बनाती हूँ। और अभी दोस्तों एहसान और हादी जो है गए हुए हैं बाहर इंजॉय करने के लिए बाइक पे, मौसम को ठंडी हवा लगवाने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है हमारी इस प्यारी सी पेट फैमिली के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।